अमेरिका मजे से डुबा देता है जहाज, पाकिस्तान का बाप बन गया तालिबान, सैकड़ों में मारे गए पाकिस्तानी सैनिक, सरकार बेहोश। अभी हाल ही में हमने आपको खबर दी थी कि अमेरिका के हाथ एक बहुत बड़ा खजाना लगा है, जिसमें अमेरिका ने एक बहुत बड़ा जहाज पकड़ा है जिसके अंदर हथियारों का जखीरा था और उसे अमेरिका ने पानी में ही डुबा डाला था ताकि इसके अंदर पाई जाने वाली सभी खतरनाक चीजें पानी के अंदर ही डूबकर खत्म हो जाएं और खराब हो जाएं। और कुछ खबर निकल कर आई है जिसमें यह कहा गया है कि यहां पर हथियारों को अमेरिका में जब्त भी किया गया है। आपको हम बता दें, अरेबियन सागर के पास अमेरिका इन दिनों बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है। अभी हाल ही में खबर निकल कर आई है कि एक जहाज के बाद अमेरिका ने ऐसे ही दो जहाजों को और पकड़ा है और जैसे पिछली बार की तरह इन जहाजों के ऊपर किसी भी तरीके का झंडा नहीं लगा हुआ था और यह भी नहीं पता लग रहा था कि यह जहाज कहां से आ रहे हैं और कहां को जा रहे हैं। जब जहाज अमेरिकी सेना को नजर आया तो अमेरिकी सेना यहां पर तुरंत पहुंची और देखा कि ये लोग यहां से गुजर रहे हैं, तो अमेरिकी सेना ने तुरंत इनको रोका और उनसे पूछा, तुम लोग कहां जा रहे हो? तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हम मछली पकड़ने जा रहे हैं। जब अमेरिकी नौसेना ने यहां पर जांच पड़ताल की तो उन्होंने पाया कि इसके अंदर 9 लोग हैं और वह 9 लोगों को देखने पर ऐसा लग रहा था कि ये 9 के 9 लोग ईरानी हैं। अमेरिकी नौसेना यहां पर जांच करने लगी तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर 385 किलोग्राम हीरोइन पाई गई है। इसकी कीमत 40 लाख अमेरिकी डॉलर लगाई जा रही है। अमेरिका ने इन जहाजों को जब्त कर लिया। दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल यह बन रहा है कि अरेबियन सागर में आखिर अमेरिका इतना ज्यादा एक्टिव क्यों हो रहा है? अमेरिका ने यहाँ पर अपने आधुनिक जहाजों को गश्ती के लिए लगा रखा है। इसके पीछे जो अनुमान लगाया जा रहा है वह यह है कि यहाँ पर तो सबसे पहले हिंद महासागर सबसे नज़दीक पड़ता है और अमेरिका यहाँ से ईरान के ऊपर नज़र भी रख सकता है, तो दूसरी तरफ चीन और भारत का मामला इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, यहाँ पर अगर भारत को मदद की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से अमेरिका आसानी से भारत को मदद पहुँचा सकता है। यही वजह है कि अमेरिका इन दिनों अपने जहाज़ों की गश्ती इन एरियो में कर रहा है। अमेरिका की इस गश्ती का फायदा भी हमें देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से अमेरिका लगातार जहाज़ों को पकड़ रहा है, किसी जहाज में हथियार ले जाया जा रहा है तो किसी जहाज में नशे का सामान ले जाया जा रहा था, अमेरिका यहां पर अब और भी ज़्यादा एक्टिव हो गया है और एक तरीके से इन जगहों पर गश्ती करना बहुत ज़रूरी भी हो गया है। जिस तरीके से यहां पर लगातार जहाज़ पकड़े जा रहे हैं उसको देखते हुए यहां पर अमेरिका बिल्कुल सही कदम उठा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो खबर निकल कर आ रही है उससे यह पता चलता है कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की क्लास लगी हुई है। एक तरफ आपको हमने पहले भी बताया था कि पाकिस्तान और तालिबान का डूरंड लाइन का मामला चल रहा है, यहाँ पर मामला अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। पाकिस्तान ने अपने बाड़ भी यहाँ पर लगा दिए थे, लेकिन जितनी बार लगा है उतनी ही बार लगे हैं इसको आगे। अब तालिबानी यहाँ पर पाकिस्तान को बाड़ लगाने नहीं दे रहे हैं। पहले सबको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर मामला बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तालिबान पाकिस्तान की हर चाल को अच्छे से जानता है क्योंकि तालिबान पाकिस्तान का चेला है। इसीलिए यहाँ पर तालिबान यह जानता है कि यहाँ पर पाकिस्तान क्या करने वाला है, इसीलिए जो पाकिस्तान बाद में करने वाला था वही तालिबानियों ने पहले कर दिया। आपको हम बता दें, तालिबान इस इलाके को लेकर काफी ज्यादा सतर्क हो गया है और अपनी सारी सेनाओं को धीरे धीरे इन इलाकों में पहुंचा रहा है क्योंकि भविष्य में पाकिस्तान इन इलाकों को लेकर कोई चाल ना चल दे, इसीलिए यहाँ पर तालिबान पहले से होशियार हो गया है। यहाँ पर तालिबानी सेना का इकट्ठा होना यह बात बताता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान का सिरदर्द होने वाला है, क्योंकि इससे पहले जब ऐसा हुआ था तो आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान के 2 सैनिक ऊपर पहुंच गए थे और अगर अब इसकी शुरुआत होती है और यह मामला लंबा जाता है तो न जाने कितना नुकसान हो सकता है पाकिस्तानियों का। वैसे ही पाकिस्तान काफी ज्यादा नुकसान में चल रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की बात करें तो वह तो बुरी तरीके से गिरी हुई है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत है, वह दूसरे देशों से लोन मांगता है तो कोई भी देश उसे लोन देने को तैयार भी नहीं है। ऐसे में यहाँ पर पाकिस्तान अगर तालिबान से उलझ जाएगा तो यहाँ पर नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का ही होने वाला है। आपको हम बता दें, पाकिस्तान के लिए TTP भी सक्रिय हो गया है।
क्योंकि इन दोनों के बीच में जो करार हुआ था वह एक महीने के भीतर ही टूट गया है। यहाँ पर टीटीपी हमला करना चाह रहा है और पाकिस्तानियों को यह समझा रहा है कि तुम भी तालिबानियों जैसी हरकत यहाँ पर करना चालू कर दो। टीटीपी के लगातार हमले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे एक वजह ये भी है क्योंकि टीटीपी को तालिबान का पूरा समर्थन मिल चुका है, जिसकी वजह से वो अपनी मनमानी खुलकर कर रहा है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान की हालत भी बहुत बुरी है, क्योंकि इस मामले को सुलझाने के लिए यहाँ पर पाकिस्तान ने अपनी पूरी की पूरी फौज उतार दी। यहाँ पर पाकिस्तान की सेना आम लोगों को निराशा बना रही है, तो वहीं उग्रवादी समूह के जो लोग हैं वह पाकिस्तान की सेना को निशाना बना रहे हैं। कल ही पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी घटना हो गई है, जिसके बाद यह अंदाजा लगाना आसान हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर इस समय कुछ भी सही नहीं चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर ये घटना ऐसी जगह हुई है जहां पर काफी लोगों का आना जाना लगा रहता था, इसीलिए यहां अफरा तफरी मच गई है। वहां पर अगर हम ऐसा कहें कि कुछ ही सालों के अंदर पाकिस्तान में हमें गृह युद्ध जैसी स्थिति देखने को मिलेगी, तो ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है और हमने देखा है कि यहाँ अर्थव्यवस्था गिरने लगती है, वहाँ ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं होती है। पाकिस्तान कई तरफ से बुरी तरीके से फंस गया है और इसका नतीजा अब लोगों को भी साफ साफ देखने को मिल रहा है। गुरुवार को क्वेटा में एक बम ब्लास्ट होता है, जिसके बाद 4 लोगों की मौत हो जाती है और साथ ही 15 लोग घायल भी हो जाते हैं। वैसे तो यह आधिकारिक रिपोर्ट है, सच्चाई क्या है इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। आपको बता दें कि यह घटना जिस इलाके में हुई है वह जिन्ना रोड लगती है और काफी ज्यादा वहां पर चहल पहल होती है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में भी यही कुछ चल रहा है, जहां पर उग्रवादी समूह पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहे हैं। आपको हम बता दें 2021 में पाकिस्तान के करीब 254 सैनिक मारे गए हैं और इसके बारे में मिलता है कि यह टीटीपी के सक्रिय होने की वजह से हो रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर पाकिस्तान की हालत ऐसी ही खराब होती हुई चली जाती है, तो आने वाले समय में यह और भी ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसा बिल्कुल भी रहेगा नहीं, जिससे वह अपनी सेना को और मजबूत कर सके और अपने हथियारों को अपग्रेड कर सके। ऐसे में पाकिस्तान को जो हो रहा है उसे सिर्फ बैठकर देखना पड़ेगा और इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई दूसरा रास्ता निकलता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा है। लोगों ने यहाँ तक भी कहा है कि इमरान खान सरकार कोई की सरकार नहीं है, इसने आने के साथ ही यहाँ पर बुरे दिन आना शुरू हो गए हैं। लोगों ने कहा है कि यहाँ पर जो पहले सरकार थी मिलिट्री की, वही सही थी। इमरान खान ने पाकिस्तान को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। यहाँ पर जैसा पाकिस्तान भारत के साथ करने की सोच रहा था, लेकिन अफसोस यहाँ पर पाकिस्तान के साथ वैसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की जो चाल भारत के प्रति चली गई थी वह उल्टी उस पर ही आकर गिर गई है। अमेरिका जिस तरीके से अरेबियन सागर में अपनी गश्ती को बढ़ा रहा है, अमेरिका का ऐसा करना सही है या फिर गलत है, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।